मैं बोर हो गया हूँ, मैं थोड़ा वार्म अप कर लेता हूँ। शुक्रिया एमी रॉस, तुम प्लानिंग में माहिर हो। दोस्त नकुलस, आने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर एगमैन, चलो डांस बैटल करते हैं। एक विश मांगो सोनिक। ये मैं सबसे तेज बनना चाहता हूँ। लाइट्स किसने बंद कर दी? वो क्या था? सोनिक, उसके साथ क्या हुआ? वो चला गया। ये तुमने किया है एगमैन। मैंने? तुमने उसे मार डाला। शांत हो जाओ, हमें यहाँ प्रोफेशनल को बुलाना चाहिए। हेलो, सोनिक अपनी ही पार्टी में मारा गया। मैं आ रही हूँ, हम इंतजार कर रहे हैं। डिटेक्टिव एम्बर, आपकी सेवा में हाजिर है। वो मर गया है, ये रही उसकी बॉडी, हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्राइम सीन पर चलते हैं और विक्टिम की जांच करते हैं। हाँ, थोड़ा मुश्किल केस है। सब लोग बॉडी से दूर हट जाओ। हो गया, अब सबूतों की बारी है। हाँ, दिलचस्प है। घड़ी के बारे में कोई जानता है? कुछ नहीं पता, पहले कभी नहीं देखा। दोस्तों बताओ, आपको क्या लगता है ये अलार्म क्लॉक यहाँ क्या कर रही है? है हमारे यहाँ और क्या है? एक बटन, ये क्लू है। चलो देखते हैं इसे कौन भूल गया है। नहीं, एमी नहीं है। और नकुल्स, डॉक्टर एगमैन, बधाई हो। सोनिक को मारने के लिए तुम पर शक किया जाता है। मैंने बोला था, पर ये मैंने नहीं किया। पुलिस पता लगा लेगी, तब तक ये पहने रखो। पार्टी खत्म हुई, बैठ जाओ। डॉक्टर, पर मैंने उसे नहीं मारा, कसम से। डिटेक्टिव, मेरा यकीन करो। वो हम देख लेंगे, सब सच सच बताओ। एगमैन, आउट, बहुत तेज है। तुमने हेजॉग से पीछा छुड़ा लिया, वो मैं नहीं था। उप्स, रिवाज है, मुझे तेज रोशनी नहीं पसंद। तो पहली जांच शुरू करते हैं। सस्पेक्ट डॉक्टर एगमैन, ये सब तुम्हारे साइंस लैब से शुरू होता है। तुम अपने नए खोज पर काम कर रहे थे। ये तैयार हो गई, मेरी डार्लिंग। चीजों को बड़ी करने वाली तोप। मैं तुम्हें जेनिस बुलाऊंगा। चलो हनी, मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। यस, हाँ, ये काम कर रहा है। मैं एक जीनियस हूँ। परफेक्ट साइज। यम। हे, तुम डरपोक चोर, मुझे मेरी कुकी वापस करो। मीठा नुकसान देता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या नुकसान देता है। ठंड रखो डॉक्टर। ओ नहीं, मेरी जेनिस। नहीं, मेरी बेबी नहीं। तुमने कहा जेनिस? लो इसे फिर से बनाओ। मिया बेला डोना, ये सही है। घटिया बदमाश, मैं एक सच्चा योद्धा हूँ। बाय। मामा मिया, बेचारी जेनिस, डरपोक सोनिक को इसका जवाब देना होगा। मैं बदला लूंगा। सोनिक, ये मैं हूँ, तुम्हारी मौत। सोनिक, विश मांगो। मांग लिया, अभी बर्थडे। ओह, मुझे गिफ्ट पसंद है। आज सब तुम्हारे लिए है। ये क्या है? तुम्हारी जिंदगी का अंत। ओह, ये तुमने इस तरीके से किया। खूनी, जरूर इसी ने किया होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। लॉ के मुताबिक हमें सस्पेक्ट की बात सुननी चाहिए। शुक्रिया, मैं अपनी साइंस लैब में था और अपनी नई खोज पर काम कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था किस बेवकूफ ने ये मैनुअल बनाया है। कुछ भी फिट नहीं बैठ रहा है, ये बहुत बकवास है। ओह, मेरी कुकी आखिरी बची है। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। ये मैं हूँ। वो, ओह नहीं, मेरा कुकी। और ये तुम्हारा लंच है? पागल हो क्या? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ। मुझे सब पता है तुम्हें क्या चाहिए। इसे खुद करो एनलार्जिंग मशीन, या फिर चलो देखते हैं। मैं समझ गया, तुम्हें पक्का सब समझ आ रहा है। बहुत आसान है। वाह, तुमने मेरी बहुत मदद की। पकड़ो अपनी जेनिस एगमैन। शानदार सोनिक, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया, मदद करके अच्छा लगा। बाय बाय हेजॉग, चलो गन को चेक करें। वो, हाँ, एक बड़ी कुकी तैयार है। मैं इसे पूरा खा जाऊंगा। सोनिक ने मेरी मदद की थी, मेरे पास सबूत है। और ये हेजॉग के लिए गिफ्ट है। सब सच है और तुम सबूतों के खिलाफ बहस नहीं कर सकते। ठीक है, डॉग बेगुनाह है। बिल्कुल बेगुनाह, तो हम ढूंढना जारी रखेंगे। सही कहा, हर बार एक मिनट ही नहीं होता। तो चलो क्राइम सीन को ध्यान से देखते हैं। ये क्या है? ये एक धागा है या बाल? ये बहुत छोटा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हे एगमैन, क्या तुम इसे बड़ा कर सकते हो? अगर ये कोई क्लू हुआ तो क्या होगा? कोई बात नहीं, मुझ पर छोड़ दो।
अजीब है, ये काम नहीं कर रहा है। हमें और ज्यादा लाइक्स की जरूरत है। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद करें, हमें 10,000 लाइक्स दीजिए ताकि गन चल सके। इस बीच हम जांच जारी रखते हैं। ये दिलचस्प है, एक बैंडेज का टुकड़ा। ये कहाँ से आया? वो जरूर मेरा बैंडेज होगा। ये रहा हमारा सस्पेक्ट नंबर 2। जरा रुको, ये मुझे फंसाना चाहता था। तुमने सोनिक को मारा है, मैं तुम्हें मारना ज्यादा बेहतर समझूंगा। मूछो वाले, तुमने मुझे क्या बुलाया? लाल नाक वाले, बहुत हुआ। नकुल्स, चलो चले। सोनिक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं उसे क्यों मारूंगा? हम अभी पता लगाते हैं। तो कितना नकुल्स, मैं तुम्हें बताती हूँ तुमने सोनिक को कैसे मारा। तुम जिम में थे, अपने शॉर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। ये लो। ये ठीक है, एथलीट कौन है? तुम इसे केटेबल बोलते हो? बलून जैसा ज्यादा लगता है, क्या यहाँ इससे भारी कुछ है? ये मसल स्टील से ज्यादा स्ट्रांग है। मेरा प्यारा पाओ, तुम्हें क्या दिक्कत है? ऐसा होता है। तुम माफी मांगो। जरा रुको तुम, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। ये तुम्हारा आखिरी गिफ्ट है। हेजॉग, विश मांगो। सोनिक, ये तुम्हारे लिए है दोस्त। ओह, मुझे गिफ्ट पसंद है। ये क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। गिफ्ट कहाँ है? यहाँ, खाओ इसे। इस तरह तुमने ये किया? ऐसा गिफ्ट कौन देता है? क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या सच था। ठीक है, बताओ मुझे। मैं शर्मिंदा हूँ, पर मुझे मानना होगा। मैं सच में जिम में था, पर मैं बहुत थका हुआ था। तो मैं जब कुछ कर रहा था, मेरे हाथ से सारे टूल्स गिर गए। आउच, कोई मदद करो। बेचारे दोस्त, मैं मदद करता हूँ। यहाँ बैठो, इस तरह, ध्यान से। फ्रैक्चर नहीं आया, पर चोट गहरी है। तुम्हें बैंडेज की जरूरत है, इसे अच्छे से कवर करते हैं। दर्द हो रहा है, तुम्हें आराम की जरूरत है, और फिर तुम ठीक हो जाओगे। खुद को लकी समझो। यहाँ खुश करने के लिए, और आराम से वर्कआउट किया करो। कभी कभी हर किसी को आराम की जरूरत होती है। शुक्रिया सोनिक। ऐसा हुआ था, ये रहा सोनिक के लिए मेरा गिफ्ट, और ये रहा सबूत कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जांच करती रहूँगी। हमें लाइक्स मिल गए। गन चलाने के लिए इतने लाइक्स काफी होंगे। हे कैप, जेनिस इंतजार कर रहा है। इसे करो डॉग। एक सेकेंड, हो गया। ये एक बाल है, पर किसका? मेरा नहीं है, एमी के बाल पिंक है। एमी रॉस, तुम सोनिक के मर्डर की सस्पेक्ट हो? नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। मैंने सोनिक को मारा? मैंने नहीं किया। चुप हो जाओ। तुमने ऐसा किया होगा एमी। तुमने हेजॉग के लिए बर्थडे पार्टी रखी। तुमने मेहमानों के आने से पहले हॉल को सजा लिया। तुम सब कुछ परफेक्ट चाहती थी। थीम डेकोर मंगवाया और लटकाया। सोनिक का फेवरेट कपकेक बनाया। सब कुछ अच्छे से हो गया, और जब सिर्फ डिस्को बॉल रह गई थी। खूबसूरत, सोनिक आता है। हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बर, तुमने सब कुछ खराब कर दिया है। होता है, शाम को मिलते हैं। रूड है जॉग, अब तुम नहीं बचोगे। हैप्पी बर्थडे। ओह, मुझे गिफ्ट पसंद है, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। गिफ्ट कहाँ है? कहाँ है? बूम। तो ऐसा हुआ था, एमी रॉस क्रिमिनल है। किसने सोचा होगा? क्या, नहीं ऐसा नहीं था। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, प्लीज मुझे इजाजत दें। ठीक है, शुक्रिया। ये सब कुछ इस तरह से हुआ था। हाँ, मैं सोनिक के लिए पार्टी की तैयारी कर रही थी, पर थोड़ा सा ही वक्त बचा था और सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया। बस कपकेक गिरने ही वाले थे। तभी सोनिक आया। एमी, मैं आ रहा हूँ, क्या तुम ठीक हो? हाँ, उसने केक गिरने से बचा लिए। कपकेक्स भी ठीक है। उसने सिर्फ कपकेक्स ही नहीं बचाए, उसने बाकी सब भी ठीक कर दिया। उसने सब कुछ सजाने में मेरी मदद की और सभी चीजें ठीक से लगा दी। ओह, सोनिक तुम शानदार हो। मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। बढ़िया, केक ये रहे, रूम सजा हुआ है। मैं बेगुनाह हूँ, है ना? हाँ, सब सच है, केक ठीक है। फिर कौन है? तुम सब बेगुनाह हो। चलो जांच करते हैं। हाँ, चलो खूनी को ढूंढते हैं।
कौन सोनिक को नुकसान पहुंचाना चाहेगा? ये कौन कर सकता है? इस पार्टी में बस 4 लोग थे, उनमें से 3 निर्दोष हैं। ये अलार्म क्लॉक फिर से, वाह ये बज रहा है। ओह क्या वो खूनी है? जल्दी करो यहाँ आओ, मैं सोनिक के लिए तुमसे मुकाबला करूँगा। डिटेक्टिव क्या हुआ? बाहर आओ सोनिक, तुम जिंदा हो? यहाँ क्या हो रहा है? तुम मर गए थे? हाँ पार्टी के दौरान। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? रुको, किसी ने किसी को नहीं मारा, ये सब सुबह शुरू हुआ था जब मैं घर पर ही था। चुपिडू सोनिक, हमें आज रात के लिए तैयार होना होगा, मुझे रूम को सजाने में तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे माफ करना अम्मी, पर मुझे ट्रेनिंग में जाना होगा और वैसे भी मैं लेट हूँ, मैं बाद में कर लूँगा। मैं फिर से अकेली हूँ, मैं वर्कआउट कभी नहीं टाल सकता, मैं बस ये चाहता हूँ। बहुत आसान है, वाह तुमने मेरी बहुत मदद की, ये लो तुम, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया, ये तो मेरा फर्ज है, बाय। क्या स्पीड है? ओह दोस्त मैं तुम्हारी मदद करूँगा, अब हमें तुम्हें बैंडेज लगाना होगा, चिंता मत करो, अगली बार से ध्यान रखना और आराम करना मत भूलना, शाम को मिलते हैं। तो मैं थक गया हूँ, अब घर जाने का वक्त हो गया है। एमी मैं आ गया। हाँ वाह मैंने कपकेक्स बचा लिए, शुक्रिया। फ्यू क्या दिन था। वाह सोनिक तुम शानदार हो, मुझे थोड़ा आराम करना है। बहुत खूब, मेरी एनर्जी खत्म हो गई है। हमारा बर्थडे बॉय कहाँ पर है? फिर मेहमान आए और मुझे सोने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला, मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, लेकिन दोस्तों के साथ समय बिताना भी जरूरी था। हैप्पी बर्थडे है जॉक, 1 साल और बढ़ गया। और फिर केक आया, विश मांगो, तो मैंने मौके का फायदा उठाया। इसमें उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा और मैं तब तक थोड़ा सो जाता हूँ। बेचारा है जॉक, ये थी पूरी कहानी, खत्म हुई। तो ये सब तुमने अपने लिए किया, इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, तुम्हें इन सब के लिए गिरफ्तार किया जाता है। क्या तुम होश में हो? इससे तुम्हें दोस्तों के साथ धोखेबाजी करने का नतीजा मिलेगा। मुझे इस जेल में नहीं रहना है, ये तो 3-person सेल है, इसका मतलब है कि इस रूम में भाग सकता हूँ। चलो देखते हैं, नहीं बहुत सॉफ्ट है, दूसरा देखते हैं। और ये नहीं बहुत हार्ड है, ठीक है फिर एक और बचा है, ठीक है ठीक है, ऐसे बढ़िया है, मुझे यही चाहिए था। मुझे अपनी पुरानी जिंदगी की बहुत याद आ रही है। प्यारी एमी रोज, अगर तुम्हें पता होता तो तुम मुझे बाहर निकाल लेती। रुको एक आइडिया है, मैं उसे एक एनकोड मैसेज करूँगा और मैं लिखूँगा, मेरी मदद करो सोनिक। अब मुझे इसे किसी तरह डिलीवर करना होगा, कोई कैरियर पिजन नहीं दिख रहा है। पोर्टल, हाँ डेस्टिनेशन एमी रोज। हे ना सिर्फ तेज बल्कि स्मार्ट भी हूँ। बेवकूफ, यहाँ जादुई पोर्टल का इस्तेमाल करना मना है। क्या मैं यहाँ कुछ कर भी सकता हूँ? मैं एक स्टोरी पोस्ट करूँगी। यहाँ कौन ऐसे कागज फेंक रहा है? स्ट्रेंजर लेटर, चलो देखते हैं। मेरी फोटो, मेरी मदद करो सोनिक। ये तो सोनिक है, फिर से उसे बचाना होगा। ठीक है मेरा इंतजार करो, ब्लू है जॉक। कितनी दिलचस्प चीज है। और क्या होगा अगर होगा भी या नहीं होगा? क्या मुझे समझाओ, मैं वहाँ नहीं आ सकता हूँ और तुम्हें इसे खुद करना होगा, तो मुझे इसे ट्राई करना होगा। कितना कमाल का है, खैर मेरा पार्टनर कहाँ है? सोनिक क्या तुमने देखा है? नहीं मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं। ओह ऐसा लगता है कि लंच का समय हो गया है, मुझे भूख लगी है। ओह चलो पिज्जा ऑर्डर करते हैं, बस एक रिक्वेस्ट है, ऑफिसर टेलर को कुछ मत बताना, क्या तुम इस बात को छुपा सकते हो? हाँ बिल्कुल बॉस, मैं इसमें माहिर हूँ। ठीक है, हेलो प्लीज प्रिजन में एक पिज्जा ले आओ। फूड डिलीवरी, वाह तुम बहुत फास्ट हो, हमारे सभी क्लाइंट्स के लिए। उसकी आंखों को क्या हुआ? सोनिक अच्छे से देखो, ये मैं हूँ। तो रुको ये क्या है? माफ करना पर मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था ना कि बर्गर। उप्स हमसे गलती हुई, एक मिनट रुके मैं इसे ठीक कर दूंगी, तैयार हो जाओ। ऑफिसर
एमिरोस, तुम्हें मेरा लेटर मिल गया। तैयार हो जाओ। पिज्जा तैयार है। क्या? हे भगवान, चलो भी एमी, इसे तोड़ दो। हाँ जरूर। ओह, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ, मेरी प्यारी एमी, मेरी स्पाइकी रोज। मैंने इस हेजॉग की बात क्यों नहीं सुनी? ओह पेपरोनी, रुको, यहाँ दो क्रिमिनल्स हैं। हाई फाइव दोस्तों, इतनी भी क्या जल्दी है क्रिमिनल्स। एमी, उसे अपने मेगा हैमर का कमाल दिखा दो। बड़ी खुशी से, उप्स, उन्होंने मुझे पहले ही बांध दिया है। बेवकूफ है जॉब। मैं प्रिजन में नहीं रहना चाहती हूँ। कपड़े बदलने का समय हो गया है। ये तुम्हारे लंच के लिए है। ये मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था। कम से कम अब मैं बोर तो नहीं होऊंगा। ठीक है, मैं अपना बेड खुद चुनूंगी। ये अच्छा लग रहा है। यहाँ कितना कूड़ा है। रुक जाओ, ऐसा मत करो। वो मेरा बेड है और ये मेरे टॉयज हैं। चलो यहाँ से जल्दी उठो। सुनो प्यारे सोनिक, अच्छा होगा कि तुम चुप रहो। ये मेरा बेड है, यहाँ पहले मैं आया था। अगर ये मेरा नहीं है तो तुम्हारा भी नहीं होगा। हैमर, बढ़िया टूल है। वो कहाँ गया? ये क्या है? चलो देखते हैं किसमें है कितना दम। लड़ना बंद करो, आज के लिए इतनी मस्ती काफी है। मैंने ले लिया, इसे यहाँ रख देता हूँ। हैमर, ये कैसे हुआ? चलो फिर से कोशिश करें। बस बहुत मजाक हुआ। तैयार हो? ओह, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये क्या था? अब हैमर लेकर दिखाओ। ये नहीं, मैं तुम्हें दोबारा समझाता हूँ। हमारी जेल में हैमर इस्तेमाल करना मना है। मैंने ले लिया, ये सही नहीं है। हैमर, हैमर, इस चीज ने टेलीपोर्टेशन को रोक दिया है। ठीक है। ओह, ये कैसा बोर्ड है? शायद फास्ट होगा। मैं इसे वेव्स पर चलाऊंगा। मैं एक बढ़िया एथलीट हूँ। यहाँ बैठ जाओ ऑफिसर। नहीं प्लीज, ये कोई टॉय नहीं है। तुम मेरा क्या कर लोगे? क्या मुझे दफना दोगे? मैं खुद तय कर लूंगा। उप्स, ओह, मॉम, बस ये नहीं, नहीं, एमिरोस, अब कुछ होने वाला है। मैंने उसे समझाया था। उप्स, ओह, बचाओ! तुम लोगों को बिजली के झटके नहीं दे सकती हो। लोग इसकी वजह से जेल जाते हैं, समझ गई? लगता है जैसे बस मैंने ही रूल्स तोड़े हैं। बैठो और इसके बारे में सोचो। क्या टेलर, यहाँ क्या हुआ था? हम बच गए, ये सब जरूरी बात है। दिलचस्प लग रहा है। एक मिनट रुको, मुझे इसे संभालना होगा। यहाँ बैठ जाओ और हिलना मत। टेलर, जैसा तुम कहो। ऑफिसर, नहीं हिलूंगी। टेलर, क्या तुम ठीक हो? पल्स चल नहीं रही है, ये सांस भी नहीं ले रहा है। ये तो बुरा हुआ। शांत हो जाओ एमी, शायद इस ब्रेसलेट से कुछ मदद मिल सकती है। सीधे बैठ जाओ। क्या? हाँ, अच्छा आइडिया है। विक्टिम को होश मिलाना होगा। डिस्चार्ज, और एक बार। टेलर, उठ जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? मुझे प्लान बी का इस्तेमाल करना होगा। कोई भी पॉमिनी को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ऑफिसर, ये काम आएगा। उसे डोनर का लालच देना होगा। उम्मीद है इससे काम बन जाए। गुड लक बॉस। टेलर, चलो भी, डोनट को सूंघो, इसकी खुशबू लो। डोनट, वो भी ग्लेज वाला। वो ठीक है। अरे, काम हो गया। सच कहूँ तो ये काफी मुश्किल था। हमें भी ऑफिसर की चिंता हो रही थी। पॉमिनी, कौन? मैं तो चली। गुड बाय। चलो चले, ये अच्छा मौका है। डोनट, क्या? माइक, जल्दी करो, वो आ रहे हैं। बी बी बी, अब अंदर रहने की तुम्हारी बारी है। चिंता मत करो पार्टनर, मेरे पास मेरा पावरफुल मैग्नेट है। वहीं रुक जाओ बेवकूफों। रुको, मैं चल नहीं पा रही हूँ। इसकी वजह है मेरा सुपर मैग्नेट। अब हम क्या करें? मुझे नहीं पता। आउच, नहीं, क्या तुमने भाग लिया? तुम साइंस से बच नहीं सकते हो स्वीट हार्ट्स। अब क्या करें? सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। क्या तुम मेरे पोर्टल के बारे में भूल गई? तुम कमाल के हो। अब तुम क्या करने का सोच रहे हो? गुड बाय ऑफिसर्स, चलो खुशी से। चलो चले। कहाँ? वो भाग गए।
नहीं, देखो वो क्या छोड़ गया है। वो अपना सर्फ बोर्ड लेने के लिए जरूर आएगा। शायद तुम सही कह रहे हो। रुको, पॉमिनी कहाँ है? क्या यहाँ कोई और भी था? अब हम मुसीबत में हैं। मुझे सोचने दो, वो कैसी दिखती थी? कैसी कैसी? ये उसका आइडेंटिकेट है, पॉमिनी वॉन्टेड। मैं तुमसे कह रहा हूँ ये वही है। नहीं, ये वो नहीं है। इसकी आंखों को देखो, ये वही है। नहीं, ये वो नहीं है। ये उसके जैसी बिल्कुल नहीं है। ये पॉमिनी है और वो जेल जा रही है। रुको, पिक्चर को देखो, ये बहुत छोटी है। ये पॉमिनी नहीं है। तो क्या? ये सब मेकअप का कमाल है। ये लड़की बस डिजिटल सर्कस की फैन है। ये वो नहीं है। क्या पॉमिनी? कैसे हो लड़को? ये हमारी पॉमिनी है। रुको, ये क्या है? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। बचाओ! मैं नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे साथ अच्छा हुआ, पहली बार के लिए इतना काफी है। विलन, उप्स, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हम उसे दोबारा जाने नहीं दे सकते हैं। पॉमिनी, ये शानदार था। चलो मैं तुम्हें अपना लॉकर दिखाऊंगी, ठीक है? देखो, तुम्हें ये कैसा लगा? वाह, ये बहुत सुंदर है। तुम बहुत अच्छी हो। क्या मैं एक पिक्चर ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, बोलो चीज। क्लिक। ओह, ये पूरे कॉप्स फिर से आ गए। ओह नहीं। ओह हाँ, बधाई हो पॉमिनी, तुम जेल जा रही हो। ये मेरी गलती है। उप्स, बैठ जाओ क्रिमिनल। मुझे डिटेल बताओ। कैसी डिटेल्स? तुम उसे ब्लाइंड कर दोगे। माफ करना ऑफिसर, साइमंस थोड़े बेरहम हैं। ब्लाइंड? ये अच्छा आइडिया है। वो रुको, इन ग्लासेस को पहनो, ये ऐसे ज्यादा अच्छे लगेंगे। शुक्रिया। ओ, ये तुम पर जच रहे हैं। सच सच बताओ, कितना बुरा कॉप है? ये बहुत बुरा है। हे, मेरे मेगाफोन। खैर, अगर मैं ऐसा मत करो। चलो चले पॉमिनी, हमें डॉसियर के लिए कुछ फोटो लेनी होगी। यम यम यम, सीधी खड़ी रहो, ये रहा तुम्हारा साइन। चलो ग्लासेस को निकाल दो और अब एक फोटो शूट। समझ गया, ये फ्लैश है, पर थोड़ा सब्र रखो। हाँ, एक और बार, बस हो गया, फोटोज अच्छी आई हैं। प्रिजनर को यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। हे, मुझे ब्लैक पसंद नहीं है, मैं ये हैट नहीं निकालूंगी। बुरा आइडिया है, अपने पसंदीदा सूट को अलविदा कह दो। ये लो। ओ, तुम गंदे हो। हो गया, क्या तुम फ्रेश कॉस्ट्यूम स्मूदी लेना चाहोगी? ये तुम्हें लॉ को फॉलो करने के बारे में सिखाएंगे। ये उसने क्या किया? पॉमिनी, दुखी मत हो, मेरे पास एक फैशन आइडिया है। बस एक मिनट, मुझे पता था मेरा ड्रेस मेकर डिप्लोमा काम आएगा। चलो इसे थोड़ा ठीक करते हैं। थ्रेड्स तैयार हैं। चलो शुरू करें। ये प्रिजन नहीं है, ये एक टॉर्चर चैम्बर है। हो गया, उम्मीद है तुम्हें ये जंपसूट पसंद आएगा। ओह, बहुत सुंदर है। वाओ, तुम्हें पसंद आया? ये खूबसूरत है, पर ये स्मेल कैसी है? या यू कहूँ कि बदबू। उप्स, हगी वगी के पहनने के बाद हमने इसे धोया नहीं था। ये लो पिन। ये बेहतर है, शुक्रिया। बढ़िया, अब चलो फोटोज को रिफ्रेश करें। तुम्हें क्लोथ्स पिन निकालनी होंगी। नहीं, अब बस स्माइल। शानदार शॉट। खैर, तुम्हारी सेल में वेलकम है। चलो भी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अंदर चलो। मॉमीज, इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये हमारे मिस्टर चबी हैं। ये यहाँ पर काफी वक्त से हैं। ये बहुत अच्छी है। ग्रीटिंग्स मैडम, तुम कितने अच्छे जेंटलमैन हो। तुम्हारा बेड वहाँ है। एक मिनट, ये रही तुम्हारी बेडिंग। शीट साफ और आयरन्ड है। मुझे पूरा यकीन है ये रेस्ट करने का वक्त है। ठीक है, मैं सच में थक गई हूँ। ये आरामदायक है। हाँ शुक्रिया। मैं नाइट लाइट लाया हूँ जिससे तुम्हें डर नहीं लगेगा। और अब एक बेड टाइम स्टोरी। एक बार की बात है, वहाँ पर एक लेडी बग थी।
नाइट शांति से गुजर गई, या ये कहूँ कि बोरिंग। क्यों ना दिन की शुरुआत प्रैंक से की जाए। अलार्म, ये क्या है? गुड मॉर्निंग, तुम्हें तुम्हारा फेस देखना चाहिए था, ये फनी नहीं है। हे, मेरा ब्राइट जंप सूट कहाँ है? मैं देख नहीं रहा हूँ। सिर्फ ये ही बचा है। बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? क्या फिर से चबी के आंसुओं से बाढ़ आ गई? ओह सही कहा, अलार्म सिस्टम बेहतर है। मुझे ऐसे मत डराओ पोमिनी, मैंने जंप सूट धो दिया, अब इसकी स्मेल बॉब कॉर्न की जैसी है। सर्कस की स्मेल। टेलर, मैंने तुमसे कहा था अलार्म से मत खेलो। तो क्या? टर्निंग ऑन, टर्निंग ऑफ, टर्निंग ऑन, टर्निंग ऑफ। रुको, हमने तुम्हें घेर लिया है। पकड़ लिया, ये रहा वो स्विच के पास। तुम फंस गए। वाह, मैंने तुमसे कहा था, तुम बड़ी मुसीबत में हो यार। दोस्तों, गलतफहमी थी, हम ठीक हैं। ये जोक था, अगली बार तुम नहीं बचोगे। गुड डे सर। अगली बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। दोस्तों, ब्रेकफास्ट कब मिलेगा? क्या क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ, अब मैं तुम्हें खिलाऊंगा। माफ करना चबी, तुम्हें शेयर करना होगा। तुम्हारा ब्रेकफास्ट मजे से खाओ। ये तो ओट मील लगता है, पर ये कितना पुराना है, एक या दो साल। तुम खुद ही खाओ। आउच, मेरा लेग। तो फिर भूखी ही रहो। ये टेलर नहीं सुधरेगा। ओट मील भी स्वादिष्ट हो सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए किसे कैसे पकाना है। लेग्स को गर्म पानी में स्टीम करें, थोड़ी स्ट्रॉबेरी जैम डालते हैं। अब फ्रूट्स की बारी है। चलो एक सुंदर फेस बनाएं, जिससे ये बोरिंग नहीं लगेगा। मेरे हाथ से बनी ओट मील को कोई मना नहीं कर सकता है। ये एक मास्टरपीस है। मैं अभी आया। ओटमील वाला माइक तैयार है। वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्वादिष्ट है। मजे करो। स्वादिष्ट। क्या तुम मुझे थोड़ा दोगी? ठीक है, मैं लालची नहीं हूँ, तुम इसे खा सकते हो दोस्त। मुझे कॉफी की स्मेल आ रही है, ताजी बनी सुबह की कॉफी, एक कप। और अच्छे मूड के लिए एक डेजर्ट। पोमिनी, मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है। Wow. मेरे लिए शुक्रिया। यम यम यम, शानदार ओट मील। ऑफिसर, शुक्रिया, मैंने इतना स्वादिष्ट दलिया अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं खाया है। शुक्रिया। क्या सर, इसे खा कर तो देखो। छी, ये देखने में ही इतना गंदा लग रहा है। आउच, मेरा लेग। प्रिजनर भाग गया। अलार्म, शायद फिर से प्रैंक किया है। ओम नॉम नॉम, वो लोग बहुत फनी हैं। मुझे क्या करना चाहिए? बेचारा लड़का, मैंने तुमसे कहा था अलार्म सिस्टम से छेड़छाड़ मत करो। ठीक है, मैं उसे खुद ही पकड़ लूंगा। हेलो। बिल्कुल, पहले मुझे स्टेशन को साफ करना होगा। हे ए, आराम से विमेन, पैर उठाओ। जी मैम। और मुझे सफाई करनी होगी। लिटिल पिगलेट्स, दिलचस्प है। पोमिनी, हाँ, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? ये मैं हूँ, तुम्हारी फैन एलिस। मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। एलिस, सही कहा, ये काम नहीं करेगा। वो मुझे पकड़ लेगा और फिर से जेल में बंद कर देगा। मेरे पास एक प्लान है, बस शांत रहो। ये क्या है? ये सुपर पावरफुल ग्लू है। मुझे कुछ मिनट दो और तुम फ्री हो जाओगी। वाह, मुझ पर यकीन करो। खैर, ये चालाक है। हो गया, और अब चलो चलते हैं। वो क्लीनर नहीं है, ये वही लड़की है। एक मिनट लेडीज। ये काम कर गया। एलिस, तुम होशियार हो, भागने की कोशिश भी मत करना, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। बेवकूफ कॉप,
ये तुम पर सूट करता है। तुम्हें इसका पछतावा होगा। चलो चले एलिस। ओह नहीं, हाँ अब तुम फंस गई हो। ओह हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये लो, इसे खाओ। शुक्रिया। मैं बस 5 मिनट के लिए गया था। ऑफिसर माइक, मैं फंस गई हूँ। गंदी लड़की। मिसेस टेलर सफाई कर रही हैं। हमारे डिपार्टमेंट में सभी को इसे देखना चाहिए। हाँ हाँ, बॉस को ये पसंद आएगा। मेरी मदद करो। ठीक है, मजाकिया है। क्रिमिनल क्या कर रहे हैं? अभी तक सो रहे हैं। बढ़िया है। हे, बहुत मजेदार है। वैसे ये ग्लासेस मुझ पर सूट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग मॉमीज, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हे क्लाउन, उठो। सुबह हो गई है, मुझे इग्नोर कर रही हो, है ना? ठीक है, तुमने मुझे मजबूर कर दिया। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ठीक है, अब मैं तुम्हें जगाऊंगा। हे, ये अजीब है। यहाँ कोई क्रिमिनल नहीं है। वो भाग गई। अलार्म, प्रिजनर भाग गई। कोई नहीं है, मैं जॉब से निकलना नहीं चाहता हूँ। आराम से, अब चलो इसे करते हैं। माइक, माइकी, प्रिजनर पॉमिनी भाग गई। माइक, अब हम क्या करें? रिलैक्स। क्या? मेरी बारी। ये लो। ओह, मुझे बैडमिंटन पसंद है, इसमें हमेशा मजा आता है। बस करो। उसने हमारी गेम खराब कर दी। हम खेल रहे थे। ये एक प्रिजन है, कोई समर कैंप नहीं। जब तुम जेल से फ्री हो जाओगी तब खेलना। हो गया, वो मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। पेपर्स का क्या करें? हाँ ठीक है, समझ गई। मुझे इनको जला देना चाहिए। मैं इसका नामो निशान मिटा दूंगी। वेंसडे गायब हो जाएगी। बढ़िया, बस इसे घर पढ़ना करे। अब मेरा यहाँ से बाहर निकलना बेहतर होगा। यहाँ क्या हो रहा है? क्या आग लगी है? बहुत बड़ा बेवकूफ है, ये लगभग काम कर गया था। लगता है कॉप के पास करने को और भी जरूरी काम है। प्रिजन में स्वागत है वेंसडे। तो एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। चलो केस को थोड़ा मजेदार बनाए, इसे जेल में डाल दो। तो इसमें तो बैटरी ही नहीं है। फिर से किसी ने कैमरे के साथ छेड़छाड़ की है। कितने ना समझ है। शायद हमारी जरूरत का सामान इसमें है। बॉन्जोर मैडम जिला, मेरे एक्सपीरियंस पर भरोसा करो। आज तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट फोटोशूट होगा। चलो भी एक फुल फोटो, एक और शॉट। ओह, एक शानदार लुक। मुझे लगा था डायनासोर गायब हो गए हैं। कितना बेकार आइडिया है। चलो भी माइक को एक अच्छा सा पोज दो। क्रिमिनल टूरिस्ट। मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं हमेशा से एक फोटोग्राफर बनना चाहता था। बहुत अच्छे। और क्या मैं तुम्हें भी पसंद नहीं आया? बढ़िया। ओप्स, लगता है टेलर को गुस्सा आ गया है। फोटो सेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो तुमने इस जगह को फोटो स्टूडियो बना दिया है? रुक जाओ। मुझे शर्म आ रही है। आज तक सिर्फ मेरी ग्रैंडमा ने मुझे ऐसा देखा है। मैं फोटोज अकेले खींच लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। ऑन बटन कहाँ पर है? हाँ, अपने चेहरे को ठीक कर लो एडम्स, हमेशा की तरह। अपने नए घर के लिए तुम्हें बधाई हो। तुम यहाँ कहीं भी सो सकती हो। और मैं तुम्हारे लिए ये आउटफिट भी लाया हूँ। ईओ, कितनी गंदी स्मेल है। मैं इसे नहीं पहनूंगी। क्या? बुरा मत मानो टेलर, ये गुस्सेल है पर बुरी नहीं है। ये जंपसूट बिल्कुल साफ है, तुम इसे ले सकती हो। ठीक है, क्या तुमने इसे एक एलिफेंट के लिए बनवाया था? ये कितना लूज है। ओ,
आउच। ओह चलो भी, मैं तुम्हारे आउटफिट को कस्टमाइज कर दूंगा, उसके बाद ये तुम्हें अच्छे से फिट हो जाएगा। एक और मजेदार काम, मजा आएगा। सिजर्स का इस्तेमाल ध्यान से करना, वरना मेरा यकीन करो वेंसडे, ये मेरा 1000th कॉस्ट्यूम है। हो गया, ये कैसा लग रहा है? अच्छे से फिट हो गया ना? ये कलर तुम पर अच्छा लग रहा है। अपनी हरकतें बंद करो, एडम्स का वक्त हो गया है। और ओह, मैं तुम पर नजर रखूंगा। चलो भी, यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। टेलर को भूख लगी है, उसकी बात का बुरा मत मानो। चलो चले गंदे कॉप, चलो डोनट्स लेने चले। मैं उन्हें वेनिला के साथ खाऊंगा। क्या वो किल जॉयस चले गए? खैर, यहाँ से भागना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। उन्होंने बार्स के बारे में तो सोचा ही नहीं, उनकी गलती है। ओप्स, मुझे इस सारन के बारे में नहीं पता था। रुक जाओ, सब लोग अपनी जगह पर रहो, ट्रूम ट्रूम पुलिस आ गई है। टेलर, ये तो हमारी वेंडी है, वो बस सेल से बाहर आ गई है। आज से पहले कोई हमारी जेल से बाहर नहीं आ पाया, ये पहली बार है, इसे माफ कर दो। जल्दी से सेल में वापस जाओ। मैं आ गई, अब खुश हो? वार्निंग से कुछ नहीं होगा, हमें बार्स को ठीक करना होगा। अब तुम बाहर नहीं निकल पाओगी। अच्छा आइडिया है दोस्त, मैं भी कोशिश करूंगा। खुद का मजाक बनाना बंद करो, ये ठीक तो है ना? इसे डॉक्टर को दिखाओ। समझ गया, हाँ मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम बहुत जिद्दी हो ब्रो। अलविदा, मैं अपनी ताकत बचा रहा हूँ, पर तुम्हें पता है मैं 100 बेंच लगा लेता हूँ। पार्टनर, मैं खाना लाया हूँ, थोड़ा आराम कर लो, ये विलन कलेक्शन काफी अच्छा है। और ये इन सब की लीडर है, क्या बर्गर जागर? तो इंतजार किस बात का, इन्हें जल्दी निकालो। जैसा तुमने कहा था, बर्गर में एक्स्ट्रा अनियन और कोला आइस के साथ। रुको, खाना शुरू करने से पहले हमें प्रेयर करनी चाहिए, वरना खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। शेरिफ वार्डन, खाने के लिए आपका शुक्रिया, हम प्रे करते हैं आप हमेशा सही सलामत रहें। बस बहुत हुआ, आराम करिए शेरिफ। ओह मेरा बर्गर, नॉम नॉम नॉम, डबल चीज। ये तो खाने की स्मेल है, मुझे भूख लगी है। हे, मेरा खाना कब आएगा? हाँ ठीक है, तुम ये बर्गर खा लो। रुको, मैं उसे खुद खाना देकर आता हूँ। क्या तुम्हें भूख लगी है एडम्स? मेरे पास तुम्हारे लिए स्पेशल चीज है, चलो भी। ओटमील, ये हमारे जेल का रूल है, तुम्हें यही खाना होगा। ठीक है थैंक। माफ करना लेडीज, मुझे जाना होगा। हाँ मिस्ट्रेस, इन कॉप्स की ड्रिंक स्पाइसी कर दो। ये लो एक बाइल, समझो हो गया। और डिनर में मैं उसे कुकुम्बर पील्स दूंगा। ओ हाँ टेलर, तुम काफी बुरे कॉप हो, मेरे जितना बुरा नहीं है। और वो उसे टैप वाटर पीना होगा। खैर लगता है उन्हें पता नहीं चला, मजे करो कानून के रखवाले, मैं जा रहा हूँ। बहुत अच्छे दोस्त, हाई फाइव। हाँ क्या ये सोडा अजीब नहीं है? यो, सच में ये कड़वा कैसे हो गया? हम तो गर्ल्स बन गए, लंबे बाल, हाई हील्स। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म में कितनी सुंदर लड़कियां हैं। आउच, जाहिर है एडम्स ने कोई जादू किया है। सही कहा ब्रो। रुक जाओ ग्लूमी, अब तुम्हारी खैर नहीं। हाँ इसे सबक सिखाओ वेंसडे, क्या ये तुमने किया है? हमें पहले जैसा करो, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है मैं तो गई, बाय, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एडम्स, यो, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मैंने काफी आराम कर लिया, अब जागने का वक्त है। कर्टेंस खुल जाओ। वो हाँ, मैं इनके बारे में तो भूल ही गई थी। टेलर और माइक ने बड़ी जल्दी अपनी नई बॉडीज का इस्तेमाल करना सीख लिया, अच्छी बात है। ओप्स, यहाँ पर शायद नहीं, हील्स पहनकर चलना इतना भी मुश्किल नहीं है। वेंसडे, हमें पहले जैसा कर दो, हमें आंटी डॉट दे दो। चलो भी प्लीज, हम प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हें छोड़ देंगे। ठीक है, ये रहा आंटी डॉट पोशन। आखिरकार ग्लब 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 ग्लब, इसे पी लो।
उसने फिर हमें बेवकूफ बना दिया। मुझे लगा तुम्हें ये पसंद आएगा। ठीक है, ये लो असली आंटी डॉट। ये ब्राइट कलर्स वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। ओ, अब ठीक है। प्रिंच, मुझे ये नहीं चाहिए। ओ, वेंसडे, बस बहुत हुआ। एडम्स, क्या तुम हमेशा यहीं रहना चाहती हो? ठीक है, शोर मत मचाओ, इसे पी लो, खुद को गंदा मत कर लेना। मैं भी इससे बोर हो गई हूँ। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। ब्रो, सेल को खोलो। तुम क्या करने वाले हो? टेलर, चलो ये पोशन उसे पिला कर देखते हैं। मेरे पास मत आना। अपना मुंह खोलो। नहीं, पकड़ लो इस ग्लूमी को। समझ गया, मना करने की सोचना भी मत। पियो,